बच्चों, कल मैंने आप लोगों को नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में बताया था और आज मैं आपको एडवर्ब और प्रीपोजिशन के बारे में बताने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एडवर्ब? एडवर्ब क्या है? आंसर, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ए वर्ब एन एडजेक्टिव एन अदर एडवर्ब आर इवन ए होल सेंटेंस। एग्जाम्पल, ब्यूटीफुली, क्विकली, लाइटली, इटीसी। अब हम आपको बता दें, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और उसमें डबल एल वाई जब ऐड करेंगे तो एडवर्ब हो जाएगा। इसी तरह से क्विकली, एल वाई का मतलब से होता है, धीमे से। यहां लिखा हुआ लाइटली, आप देखेंगे कि हर जगह एल वाई जुड़ा हुआ है एडजेक्टिव में, तो ये एडवर्ब होगा। अब आगे आप देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज ए प्रीपोजिशन? व्हाट का मतलब होता है क्या, प्रीपोजिशन क्या है? प्री का मतलब होता है पहले, अब पोजिशन माने स्थित, पहले स्थित क्या है, इसके बारे में बताएंगे आपको। आंसर, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज टू लिंक ए नाउन, प्रोनाउंस आर प्रेजेंट टू अदर वर्ड्स विद इन ए सेंटेंस। एग्जाम्पल, आफ्टर, बिफोर, एट, ऑन, इन, इनसाइड, आउटसाइड, इटीसी। ये आफ्टर जो है, अगर पहले लगेगा तो ये प्रीपोजिशन है, बिफोर लगेगा तो प्रीपोजिशन है, एट, ऑन, इट, इनसाइड, आउटसाइड, ये सब जब लगेगा तो ये प्रीपोजिशन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ए कंजंक्शन? कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन का मतलब होता है कनेक्ट करना, जोड़ना। आंसर देखिए, कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेज, क्लास आर सेंटेंस। एग्जाम्पल, बट, एंड, एट, आर, बिकॉज, इटीसी। इसके बाद मैं बताऊंगा इंटरजेक्शन के बारे में। क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरजेक्शन? आंसर, एंड इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेस ए स्ट्रांग इमोशन, एक मजबूत भावना को जो प्रदर्शित करता है उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, आ, हुर्रे, एनार्स, आहा, याहू, इटीसी।